हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राहुल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वत्स आई एस। वत्स आई एस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हम विजयनगर साम्राज्य स्टार्ट कर चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने विजयनगर साम्राज्य स्टार्ट कर दिया था। उसमें मैंने आपको विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक और उनके उस विजयनगर साम्राज्य के स्थापना के पीछे का जो बैकग्राउंड का जो चीज़ें था, जो बातें थीं, वो डिस्कस किया था। आज उसी के आगे चलते हैं। ये विजयनगर साम्राज्य जो है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। चाहे आप यूपीपीएससी का दीजिए या यूपीएससी का दीजिए या फिर कोई छोटा एग्ज़ाम भी देंगे, उसमें भी ये मतलब एसएससी आदि का, छोटा नहीं कहना चाहिए, हर एग्ज़ाम एग्ज़ाम ही होता है, लेकिन फिर भी आप किसी भी एग्ज़ाम में अगर बैठते हैं तो सब में ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य पे आप ध्यान देकर पढ़ाई कीजिएगा और इसकी नोट्स ज़रूर बनाइएगा। और अभी इसमें कम से कम 4-5 वीडियो बनेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अधिकतर यूट्यूब चैनल पे आप पढ़ते हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में तो बेसिक बेसिक बता दिया जाता है कि संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, अरामेडु वंश, ठीक है। तो ये सब आपको ऊपर ऊपर का सतही ज्ञान दे दिया जाता है। एग्जैक्ट आपको पूरी चीज़ें नहीं दी जाती जो यूपीएससी में आता है क्वेश्चन, या यूपीपीएससी में जो क्वेश्चन आते हैं वो सब चीज़ें आपको नहीं बताई जाती हैं। अधिकतर यूट्यूब चैनल पे आपको फैक्चुअल चीज़ें मिलेंगी, इसलिए मैं आपको यहाँ पे प्री प्लस मेंस दोनों के लिए बताऊँगा। पिछले वीडियो में हल्का फुल्का मैंने डिस्कस किया था, आज उसी को आगे स्टार्ट कर रहा हूँ विजयनगर साम्राज्य, और डिटेल में आज स्टार्ट करूँगा, तो आप प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो मैंने बता दिया था आपको, 1336 में हुई थी। किसने किया था? हरिहर और बुक्का ने किया था 1336 में। आप लोगों को पता होगा मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चल रहा था दिल्ली सल्तनत में इस समय के आसपास, और उसके टाइम पे सबसे ज़्यादा विद्रोह हुए थे, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में सबसे ज़्यादा विद्रोह हुए थे दिल्ली सल्तनत में, और उसके खिलाफ करीब हुए थे 34 विद्रोह, 34 रिवोल्ट्स हैपेंड ड्यूरिंग मोहम्मद बिन तुगलक एरा। मोहम्मद बिन तुगलक है, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ठीक है, कितने विद्रोह हुए? टोटल 34 विद्रोह हुए थे। ठीक है, 34 विद्रोह। अब 34 विद्रोह में जो साउथ का पहला विद्रोह हुआ था, ठीक है, साउथ इंडिया का जो पहला विद्रोह हुआ था वो किया था बहाउद्दीन गुरशस्प ने।
ये बहाउद्दीन गुलशस्प जो था ये कौन था? बहाउद्दीन गुलशस्प ये मोहम्मद बिन तुगलक का मौसेदा भाई था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, MBT मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, MBT स्टैंड फॉर मोहम्मद बिन तुगलक, क्लियर? ठीक है, तो ये जो बहाउद्दीन गुलशस्प था इसको शरण दिया था हरिहर और बुक्का ने। ठीक है, हरिहर और बुक्का कौन थे? पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, ये वारंगल के काकती नरेश, प्रताप रुद्रदेव सेकंड के सामंत थे, सेवक थे उनके। ठीक है, बाद में काम्पली राज्य में ये सेवक और मंत्री बने, वही हरिहर बुक्का। ठीक है, ठीक है, काकती नरेश, प्रताप रुद्रदेव सेकंड के सामंत थे। जब हरिहर और बुक्का ने बहाउद्दीन गुलशस्प को शरण दिया तो मोहम्मद बिन तुगलक नाराज हो गया। जब मोहम्मद बिन तुगलक नाराज हो गए तो उन्होंने हरिहर और बुक्का को गिरफ्तार करवा के दिल्ली लाए और वहाँ पे बंदी बनाए गए, बंदी मतलब कारागार में डाल दिए गए। ठीक है, और जेल में बंद, कारागार जेल, ठीक है, जेल में बंद करने के बाद उनको मुस्लिम धर्म भी कराया गया, मतलब कि उनको कारागार में डाला भी गया और उसके पहले उनको मुस्लिम धर्म में दीक्षित करवा दिया था। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि कुछ समय बाद दक्षिण में फिर से विद्रोह हुआ। ठीक है, दक्षिण में पुनः विद्रोह हुआ और तब तक ये जो हरिहर और बुक्का थे ये मोहम्मद बिन तुगलक के विश्वास पात्र बन चुके थे। पहले तो हरिहर बुक्का को लेके गए, उनको मुस्लिम धर्म में दीक्षित कर दिया गया, फिर उनको कारागार में भी डाल दिया गया, लेकिन बाद में क्या हुआ, इनको कारागार से छोड़ा गया और ये जो हरिहर और बुक्का थे मोहम्मद बिन तुगलक के साथ हो लिए थे। ठीक है, उनके सेवक बन गए थे। तो बाद में इन्हीं हरिहर और बुक्का को इस दक्षिण के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया। और जिस समय इनको भेजा गया था विद्रोह को दबाने के लिए, हालांकि वो सफल नहीं हो पाए विद्रोह को दबाने में, उस समय होयसल का राजा था वीर बल्लाल तृतीय, ठीक है, थर्ड, वीर बल्लाल थर्ड, ये जो था ये हिंदू धर्म का समर्थक था, हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा था, बढ़ावा दे रहा था। ठीक है, ठीक है, होयसल नरेश वीर बल्लाल थर्ड जो था यह हिंदू धर्म का समर्थक था और हिंदू धर्म को बढ़ावा दे रहा था, तो इसको देखकर हरिहर और बुक्का के मन में ये ख्याल आया, प्रभाव उनके ऊपर, उनके मस्तिष्क पे पड़ा कि क्यों ना हम भी मुस्लिम राज्य के अधीन रहने के बजाय हम भी अपना हिंदू साम्राज्य स्थापित करें। तो इसी क्रम में उन्होंने एक, इनके गुरु थे विद्यारण्य, उनसे शिक्षा दीक्षा लिया हिंदू धर्म की।
ठीक है, विद्याधर ने हिंदू धर्म की दीक्षा दी किसको? दी हरिहर और बुक्का को। ठीक है, हरिहर और बुक्का को उन्होंने हिंदू धर्म की दीक्षा दी। ये विद्याधर जो थे द्वारिका के श्रृंगेरी मठ के आचार्य थे। ठीक है, शंकराचार्य के चार मठों में एक मठ है श्रृंगेरी मठ, और श्रृंगेरी मठ जो है द्वारिका गुजरात में है, और वहीं के आचार्य थे विद्याधरण। इन्हीं से हिंदू धर्म की दीक्षा ली हरिहर बुक्का ने, और हिंदू धर्म फिर से ग्रहण कर लिया। और उसके बाद अच्छा विद्याधरण के गुरु भी थे, इनका भी नाम बता दे रहा हूँ। ठीक है, विद्याधरण के गुरु थे विद्या तीर्थ। ठीक है, और विद्याधरण किसके गुरु थे? हरिहर और बुक्का के। क्लियर है? अब जी हरिहर और बुक्का ने जब हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया, तो उसके बाद 1336 में इन्होंने विजयनगर की स्थापना किया। ठीक है, क्लियर है इतना? मैं आप लोगों को ये चीज इतनी चीज़ें फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में कितने विद्रोह हुए? 34। उसमें से साउथ का जो पहला विद्रोह हुआ था बहाउद्दीन गुलशस्प के द्वारा किया गया था, और उसको हरिहर और बुक्का ने शरण दिया, तो मोहम्मद बिन तुगलक नाराज हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक का चचेर सॉरी मौसेरा भाई था ये, और उसके बाद हरिहर बुक्का को दिल्ली लाया गया। इसकी मैंने अभी यहाँ पे डिटेलिंग नहीं दिया है दिल्ली वाला, वो पिछले वीडियो में मैंने दे दिया था क्या क्या हुआ था, आप उसको वहाँ से देख के नोट कर सकते हैं। तो हरिहर बुक्का को दिल्ली लाया गया, फिर भी मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, दिल्ली लाया गया, और वहाँ पे उनको मुस्लिम धर्म में दीक्षा दी गई और उन्हें कारागार में डाल दिया गया। बाद में फिर हरिहर और बुक्का मोहम्मद बिन तुगलक की सेवा में लगते हैं बाद में, और विश्वास पात्र भी बनते हैं। इन्हीं हरिहर और बुक्का को फिर से भेजा जाता है साउथ में, जब साउथ में दूसरी बार विद्रोह होता है। ठीक है, उस समय होयसल का जो राजा था वीर बल्लाल थर्ड था, तो वीर बल्लाल थर्ड जो था हिंदू धर्म का बढ़ावा दे रहा था, तो उसी माहौल को देखकर हरिहर बुक्का के मन में है क्यों ना हम अपना भी एक साम्राज्य स्थापित करें, मुस्लिम शासक के अधीन नहीं रहेंगे, हम भी अपना हिंदू साम्राज्य स्थापित करेंगे। तो इसी क्रम में उन्होंने विद्याधरण से फिर से हिंदू धर्म की दीक्षा लिया। विद्याधरण कौन थे? द्वारिका के श्रृंगेरी मठ के आचार्य थे, और उनके गुरु थे विद्यातीर्थ, और विद्याधरण ने हिंदू धर्म की दीक्षा दिया हरिहर बुक्का को। हरिहर बुक्का ने 1336 में विजयनगर की स्थापना किया। क्लियर? ये पूरा बैकग्राउंड मैंने सिंपल मैनर में आपको बता दिया है, आप इसको ध्यान समझ के नोट्स बना लीजिएगा। अब चलते हैं विजयनगर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। विजयनगर के नाम जो है इसके नाम के अर्थ को अगर समझा जाए तो क्या अर्थ निकलेगा? विजय, विजय का मतलब जीत, तो इसलिए विजय ये जीत लिखा है। ठीक है, जीत यानी कि विक्ट्री। विजयनगर मतलब विजय का नगर, मतलब जीत का नगर, मतलब जीत की नगरी, या फिर जीत का शहर, ये जीत लिखा हुआ है। ठीक है, जीत का शहर, ये रहा विजयनगर के नाम का मतलब। ये आधुनिक समय में कहाँ पे है? अगर विजयनगर के खंडहर देखने हो, भग्नावशेष देखने हो, या फिर उसका रूप देखना हो आज के आधुनिक समय में, तो आपको मिलेगा हम्पी में। हम्पी कहाँ पे है? कर्नाटका में।
ठीक है, हम्पी कर्नाटका में मिलेगा आपको। हाँ विजयनगर का एक और नाम है विद्यानगर। ये विद्यानगर में जो विद्या शब्द आया है ये विद्यारण्य से आया है, ठीक है। इनके गुरु जो थे विद्यारण्य, इन्हीं विद्यारण्य के नाम से विद्या लिया गया, और विद्यानगर भी एक नाम है विजयनगर का, ठीक है। विजयनगर के बारे में, विजय मतलब जीत, जीत की नगरी विजयनगर का मतलब। आधुनिक समय में हम्पी कर्नाटक में है। विजयनगर के एक और नाम है विद्यानगर। क्लियर है, आगे चलते हैं। इसके संस्थापक कौन थे इसको भी देख लेते हैं। जानते ही हैं आप लोग, फिर भी फैक्ट बता रहा हूँ तो इसको नोट करा दे रहा हूँ। अगर संस्थापक की बात करें तो संस्थापक थे हरिहर और बुक्का, ठीक है। अगर बात करें ये किस नदी के किनारे है तो तुंगभद्रा के किनारे। ठीक है, नक्शे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये आपका प्रायद्वीपी भारत, भारत का जो दक्षिणी भाग है वो है। यहाँ पर मैंने एक द्वीप बना दिया उसका। ये है आपका, ये नीचे जो आ रही है तुंगभद्रा नदी, और ये जो ऊपर दिख रहा है ये है कृष्णा नदी, ठीक है। कृष्णा की सहायक नदी है तुंगभद्रा। इसी तुंगभद्रा के दक्षिणी भाग मतलब दक्षिणी तट, ईस्ट साइड जो है, यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। उसी समय में इधर एक बहमनी साम्राज्य भी था इधर साइड, ठीक है, ये पूरा इलाका। ये बहमनी, इधर विजयनगर, ठीक है। विजयनगर के वंश की बात करें तो यहाँ पे इस विजयनगर साम्राज्य में चार वंश आए। ठीक है, मैंने चार वंश के नाम लिख दिए। विजयनगर साम्राज्य में ये टोटल चार वंश आते हैं, संगम वंश, सालू वंश, तालु या तुलव, कहीं कहीं पर लिखा होता है, कहीं कहीं पर तुलु भी लिखा होता है, सब एक ही बात है। मेनली अधिकतर जगह पे तालु लिखा मिलेगा आपको, ठीक है। संगम वंश, सालू वंश, तालु वंश और अदामेडु वंश, अदिमेडु वंश, ठीक है, अदा नहीं अदिमेडु। कहीं कहीं पर ये अदाई मेडु भी लिखा रहता है, तो एक ही बात है, घबराना नहीं है। चारों वंश के संस्थापकों के नाम भी बता दे रहा हूँ। संगम वंश से पहला, तो इस संगम वंश के संस्थापक हैं हरिहर और बुक्का ही। क्यों? क्यों इन्होंने ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया। दूसरा है सालू वंश। सालू वंश के संस्थापक थे नरसिंह सालू, ठीक है। सालू वंश के संस्थापक थे नरसिंह सालू। तीसरा है तालु।
तालु वंश के संस्थापक थे वीर नरसिंह। चौथा और लास्ट है आदि मेडु वंश। इसके संस्थापक थे, दिख नहीं रहा होगा, अब दिखेगा, ठीक है। आदि मेडु वंश के संस्थापक थे तिरुमल। क्लियर है। विजयनगर साम्राज्य में चार वंश आए, संगम वंश, सालु वंश, तालु वंश, आदि मेडु वंश। संगम वंश के संस्थापक हरिहर बुक्का, सालु वंश के संस्थापक नरसिंह सालु, तालु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह, आदि मेडु वंश के संस्थापक तिरुमल। ठीक है, अब दिख रहा होगा, क्लियर, तिरुमल। तो ये विजयनगर साम्राज्य स्टार्ट हो चुका है, इसके बारे में कुछ खास खास फैक्ट मैंने आपको बताया, तो इसके वीडियो में इसकी आगे चलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।